नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपन बनाएंगे ताज़ा ताज़ा नारियल का पराठा। नारियल का कैसे पराठा बनाते हैं तो दोस्तों चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक लिया हूँ नारियल और नारियल इसको मैंने तोड़ देता हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए नारियल को मैंने अच्छी तरह से तोड़ दिया हूँ, एकदम अच्छा नारियल हमारा निकला है। तो नारियल का जो पीछे वाला भाग होता है उसको मैंने निकाल दिया हूँ चाक्कू से। अब इसको कद्दूकस कर देता हूँ। तो देखो धीरे धीरे मैं करके कद्दूकस पूरा नारियल को कर देता हूँ। आपके पास मिक्सर है, मिक्सर के अंदर भी आप पीस सकते हो ऐसे। तो आप बाजार में तैयार भी आता है छीना, इसका भी तितियार कोपरे का छीना भी आप लेके आ सकते हो, इससे भी बना सकते हो। लेकिन ताज़ा नारियल का कोई स्वाद ही कुछ अलग रहता है। तो दोस्तों अंदर जो भी बड़ा बड़ा पीस रहता है तो इसको मैंने निकाल दिया हूँ, क्योंकि अपन पराठा बनाएंगे नहीं तो इसके अंदर अपन सेकते हैं तो पराठा टूट जाता है। इसके लिए अंदर जो बड़ा बड़ा पीस है मैं सब निकाल दिया हूँ और इसको अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो फिर एक कटोरी बड़ा भर के मैंने गेहूं का आटा ऐड किया हूँ, थोड़ा सा मक्के का आटा ऐड कर देता हूँ। और इसके अंदर जो मसाला जाएगा तो मैं मसाला दिखा रहा हूँ आपको, जो जो मसाला मैं ऐड किया हूँ इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा तेल, 2 से 3 चम्मच जितना तेल जाएगा। और थोड़ा सा जाएगा सौंफ और इसके अंदर जाएगा हरा मिर्च 3 से 4। आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, दूसरा मसाला कुछ ऐड कर सकते हो। अंदर देखिए तो मैं धनिया भी ऐड कर दिया हूँ और इसके अंदर जाएगा कोपरे का छीन, अपने अच्छी तरह से छोटा छोटा एकदम कर दिया था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद अपन जाएगा अंदर थोड़ा सा संचल नमक, संचल नमक नहीं ऐड करना है तो आप सादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा 1-2 चम्मच जितना घी, क्योंकि वजह आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अब इसको अंदर आप अच्छी तरह से इसको मालिश कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तभी तो इसका टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, घी मसाला सब मिक्स हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा अपन 1 गिलास जितना ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्का सा गरम मिल्क, मिल्क से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके लिए मिल्क से इसको आटा में लगाता हूँ दोस्तों। तो देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको आटा लगाना है, एक ही साथ में आपको मिल्क ऐड नहीं करना है। आप एक ही साथ में मिल्क ऐड कर दोगे तो आटा गीला हो जाता है, फिर आपको इसके अंदर सूजी डालना पड़ेगा और गेहूं का आटा भी ऐड करना पड़ेगा सब, तभी तो ये हार्ड होगा। इसीलिए आप धीरे धीरे बनाइए, बहुत शांति से बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर रहा हूँ, इसके अंदर ज़्यादा मिल्क नहीं जाएगा। 200 ग्राम मिल्क जाएगा तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा लगा रहा हूँ। आटा आराम से लगाइए, बहुत ही अच्छी तरह से लग जाए तो लग जाता है। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको कपड़ा लगा के ढक देता हूँ, 10 के 15 मिनट बाद चेक कर लेता हूँ। 15 मिनट जितना हो गया है तो हमारा आटा अच्छी तरह से हो गया है, तो इसको और मालिश कर देते हैं। 5 मिनट तक इसको मालिश अच्छी तरह से कर देता हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से देखिए करोगे तो तभी तो अच्छा लगेगा, पटक पटक के इसको मैं मालिश करोगे। जितना अच्छा मालिश करोगे तभी इतना पराठा सॉफ्ट बनता है। अपन घर में पूरी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, रोटी बनाते हो, कितना सॉफ्ट बनता है, क्यों सॉफ्ट बनता है, अपन जितना अच्छा ज़्यादा मालिश करते हैं तभी तो ये अच्छा बनता है दोस्तों। देखिए तो इसके ऊपर थोड़ा सा हॉट घी जाएगा, घी मैंने ऐड कर दिया हूँ और इसके अंदर अच्छी तरह से फिर इसको 1 मिनट तक इसको मालिश कर देते हैं। तो देखिए मैं 2 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मालिश कर दिया हूँ। तो ये हमारा देखो ये पराठा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो आज के बाद आपको बनाना है तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी तरह से मालिश किया हूँ, आप भी बनाइए। तो ऐसे करिए 2 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मालिश कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सूजी ऐड कर देते हैं। अब इसको आपको जैसे खाना है, जो पूरी के साइज जैसे नहीं अपन रोटी बनाते, रोटी से रोटी साइज का करना है तो रोटी साइज का भी कर सकते हो, पराठा बड़ी साइज रखना है तो बड़ी साइज कर देते। इसको मैंने सब इसको एक एक करके सब निकाल दिया हूँ, 10-12 जितना बनेगा। तो देखिए अब इसको जो रोटी की साइज जो अपन गुल्ला करते हैं वैसे वैसे गुल्ला कर देते फिर उसको बेल देते। तो देखिए मैं बना दिया हूँ, 10-12 जितना बना दिया हूँ। तो ये सब अपना तैयार हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड किया हूँ मैं सूजी, सूजी से बेल देते। आपके पास गेहूं का आटा, गेहूं का आटे के साथ बेल सकते हो, और इसके आप इस वो चावल का आटा है, चावल के आटे के साथ बेल सकते हैं। लेकिन मैदे से साथ बेलने की कोशिश ना करिए, क्योंकि मैदे से अच्छा टेस्ट नहीं आएगा दोस्तों। तो देखिए मैं पूरा बेल दिया हूँ, सूजी थोड़ा सा सूजी लगाया था, ज़्यादा सूजी नहीं लगाया। और इसके ऊपर आप जो भी ऐड करना है, थोड़ा कुछ सूजी ऐड किया हो, और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा 2 मसाला ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर देखो तेल ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ इसके अंदर धनिया। तो धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है, आपको नहीं डालना तो स्किप भी करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दोनों में मसाला ऐड किया हूँ और इसके बाद ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा देते हैं। देखो आप ऐसे ऐसे करके सब सब पराठों को ऐसे बेलना है। तो मैं देखो ये आपको टूट जाता है तो मैं बताता हूँ ऐसे क्या करना, सूजी ज़्यादा लगा दीजिए तो फिर टूटेगा नहीं। देखिए देखो एक एक करके मैं इसको भी बेल देता हूँ, ज़्यादा नहीं 2 पराठा बेल के भी दिखा रहा हूँ। देखिए एक भी नहीं टूटा है अपना, अच्छी तरह से सब मैंने बेल के रख दिया हूँ। वैसे ऐसे करके आपको बेलना है, तो देखिए वैसे आपको बेलोगे तो अच्छा रहेगा।
और इसके अंदर थोड़ा सा अपन जाएगा फिर तेल, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, तो दोनों भी रेड कर दिया। उसके ऊपर थोड़ा सा और ऐड कर देते पानी। तो अब इसको बाहर आती है कुक करने के, तो कुक करने के लिए अपन जिस साइड से अपन धनिया वो लगाए ना उस साइड से पहले सेक देते। देखिए ये दोनों साइड हमारा अच्छी तरह से पक जाता है। उसके बाद इसके पकाने के लिए, इसको अंदर कुक करने के लिए आपको लगेगा कम से कम 4 से 5 मिनट। तो 4 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा, एकदम मीडियम गैस के अंदर आपको अच्छी तरह से पकाना है इसको। 4 मिनट के अंदर अच्छी तरह दोस्त 2 मिनट तक इसको ऐसे कर दीजिए और 2 मिनट तक उसको वैसे कर दीजिए। तो 4 मिनट के अंदर तो अच्छी तरह से अपना गुलाबी ब्राउन कलर हो जाएगा। तो देखिए मैं एक साइड हो गया है था तो फिर घी लगाया था, तो दूसरी बार इसको पलट देते, दूसरी बार पलटेंगे फिर इसके बाद के घी लगा देते। देखो इसको चिपकना नहीं, चिपकेगा नहीं ऐसे दोस्तों। देखो इसको फिर हो गया है तो फिर इसको मैं पलट देता हूँ और उस साइड कर देता हूँ। देखिए इस साइड हो गया है, उसके बाद घी लगाना, जो साइड थोड़ा हो जाता है 1 मिनट बाद 1 मिनट बाद 50 सेकंड बाद पलट देने का। उसके बाद ऐसे देख चेक करते रहने का बार बार इसको, तभी तो अच्छा बनेगा। इसको इसको जलना नहीं चाहिए मैन, थोड़ा सा भी जल जाएगा तो टेस्ट खराब हो सकता है। ये कोबरे का बनता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हल्का सा गुलाबी ब्राउन तक पकाना। इस साइड तो अच्छी तरह से हो गया, तो उस साइड फिर चेक कर लेते। ऐसे ऐसे करके आपको सब पराठे को इसको सेक देने का। देखिए ये देखो इस साइड हो गया है, बहुत ही अच्छी अच्छा कलर आया है। तो इसको ये हमारा हो गया अच्छी तरह से कुक, तो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे रख देता हूँ फिर इसको निकाल देता हूँ। देखिए तो ये हमारा एकदम तैयार हो गया पराठा। तो आप भी बनाइए घर पे और बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। आप घर पे आलू पराठा खाते हो, मेथी का पराठा खाते हो, पनीर पराठा खाते हो, लेकिन ये भी कभी बना के टेस्ट कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना है, और दूध के साथ खा सकते हैं, खजूर इमली की चटनी, खजूर इमली की नहीं ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के लिए।